turn on notification bell, don't miss updates. I am back. दोस्तों, ऐप टॉक के पहले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा तीन जरूरी एप्स जो आपके फोन में होनी ही चाहिए. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं जयेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त. सबसे पहली जरूरी ऐप जिसके बारे में आपको पता होगा, ग्रीनिफाई. ये किस काम आती है दोस्तों? ये आपके फोन की बैटरी को बचाने के काम आती है. किस तरह बचाती है? इसका हाइबरनेशन मोड आपके फोन की बैटरी को बचाता है. कैसे बचाता है? वो ऐसे बचाता है कि आपके एंड्रॉइड में जो बैकग्राउंड पर ऐप चल रही होती है, हमें पता भी नहीं चलता कि वो बैकग्राउंड पे चल रही है, वो बैटरी को कंज्यूम करती रहती है. तो ये ऐप उन एप्स को पॉज कर देता है, रोक देता है. इसके अलावा एक और खास बात इसकी ये है कि ये उन ऐप के बारे में आपको बताएगा जो ऐप आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और आपके फोन में है. यानी ये ढूंढ के बता देगा कि भैया ये वाली ऐप ना आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, देख लो, डिलीट डिलीट कर लो, अनइंस्टॉल कर लो, जो करना है. पर ये ऐप आप कम इस्तेमाल कर रहे हो या कर ही नहीं रहे, और आप मैन्युअली भी किसी ऐप जो बैकग्राउंड पे चलती है उसे पॉज कर सकते हो. और ये जो भी इंपॉर्टेंट हमें जिनसे नोटिफिकेशन मिलने होते हैं, अलार्म, हमारे मैसेज, कॉल्स, इनको नहीं पॉज करती है. और एक और चीज, अगर आप इस व्हाट्सएप, हाई या किसी और को खुद पॉज कर देते हैं तो ये उन्हें भी रोक देगी. पर हमें व्हाट्सएप के मैसेज के इनके नोटिफिकेशन तो चाहिए होते हैं, तो हम इन्हें पॉज नहीं करते इस ऐप के जरिए. तो कुल मिला के बात यह है कि हाइबरनेशन मोड इसका ऑटोमेटिकली उन एप्स को रोक देगा जो आपकी बैटरी को खामखा कंज्यूम करते हैं, बैकग्राउंड पे चलते रहते हैं. कैसे प्रयोग करना है दोस्तों? वैसे तो सिंपल है, इंस्टॉल करते ही ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि इसे कैसे प्रयोग करना है. और फिर भी समस्या आए तो डिस्क्रिप्शन में एक ट्यूटोरियल वीडियो है, उसे देख लेना, समझ लेना. दिक्कत आए तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. और हाँ, एक बात और, ये रूटेड और नॉन रूटेड दोनों फोन में वर्क करती है दोस्तों. दूसरी ऐप है टच लॉक टोडलर वीडियो. ये क्या है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं तब समझ जाएगा. दोस्तों, हमारे घर में जब बच्चे होते हैं उन्हें हम अपने फोन में वीडियोस वगैरह दिखा रहे होते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस दिखा रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कहीं भी टच कर देते हैं जिससे वो वीडियो रुक जाती है. जैसे कि होम बटन क्लिक कर दिया, बैक बटन क्लिक कर दिया, रिसेंट टैब, कॉल आ गई, इन सब पे वो टच कर देते हैं. और वो जो वीडियो चल रही होती है या जो भी हमने उन्हें दिखाने के लिए उसमें चला रखा होता है वो रुक जाता है. अब अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो, टच लॉक टोडलर वीडियो को, तो ये क्या करेगी, आपके सारी जो होम पर बटन है, जो भी क्लिक है, जो भी टच है, उनको ये लॉक कर देगी. जी हाँ, बैक बटन, होम बटन, रिसेंट ऐप और कहीं भी टच, सबको लॉक कर देगी. यानी यदि आपने वीडियो चला दी और आपने टोडलर ऑन कर दिया, तो ऐसी स्थिति में बच्चा कहीं भी टच करेगा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा आपका फोन उस बच्चे को. और अब आप चाहोगे कि भैया फिर तो ये हमें भी रिस्पॉन्स ही देगा. नहीं, कोने पर इसका एक टोडलर ऑफ का एक टैब बना होता है, उसे ऑफ कर दोगे तो फिर से आपका फोन वर्क करना शुरू कर देगा. वर्क इन द सेंस कि कहीं भी टच करोगे और नॉर्मली ये ऑफ हो जाएगा और आपके बैक बटन, होम बटन फिर से काम करने शुरू कर देंगे. इन शॉर्ट, ये आपके फोन की टच को लॉक कर देगा जिससे बच्चे के प्रेस करने पर या बटन को क्लिक करने पर वो वीडियो ना रुके. दोस्तों, अंतिम और बहुत अच्छी ऐप है ओपेरा मैक्स. ये बहुत बढ़िया है. इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये आपके डेटा को 50% तक बचा सकती है. कैसे? आपके फोन में मान लो डेटा कम रह गया है, नेट खत्म होने वाला है, तो आप इसके अल्ट्रा पावर सेविंग मोड को ऑन कर दो. फिर क्या होगा, आपको ये जो भी ब्राउज करोगे नेट पे, इंटरनेट पे, आप जो भी सर्च कर रहे हो, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ इंटरनेट के ब्राउजिंग की बात कर रहा हूं, ये आपके जो भी आप ब्राउज करोगे उसको कंप्रेस्ड कर देगी. यानी जैसे हाई क्वालिटी की इमेज को आपको थोड़ी कम क्वालिटी करके दे देगी. इस तरह ये आपके डेटा को बचा लेती है. तो एक खास बात तो इसकी ये है दोस्तों. इसकी और एक विशेषता है, वो विशेषता ये है कि ये आपकी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करती है. कैसे? यदि आप इसके फलाना डिबगर, इसकी एक और खास बात ये है कि ये आपकी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करती है. यदि आप इसके प्राइवेसी मोड को ऑन कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो भी आपके फोन से डाटा लीक हो सकता होगा, या अगर आप किसी के वाईफाई से कनेक्ट हो, तो ऐसी स्थिति में कोई आपके डाटा को चुराना चाहे, इवन कोई ऐप यदि आपके डाटा को चुरा रही है या इधर उधर भेज रही है, थर्ड पार्टी को भेज रही है, तो ये उससे भी आपको प्रोटेक्ट करती है. समझ गए ना? आप कोई भी
ऐप आपके डाटा को चुरा नहीं सकती, थर्ड पार्टी को नहीं भेज सकती, वाईफाई से कनेक्ट हो तो कोई आपके फोन को हैक नहीं कर सकता, इस तरह की सुविधाएं ये आपको देती है ओपेरा मैक्स। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ओपेरा मैक्स बहुत अच्छी ऐप है, और अगर आपको फिर भी ट्यूटोरियल लेना है वैसे तो सिंपल सा इंस्टॉल करो, प्राइवेसी मोड मिल जाएगा और अल्ट्रा पावर सेविंग मोड, ये दोनों दो ही ऑप्शन है इसमें और कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में ट्यूटोरियल वीडियो है, आप देख लेना। दोस्तों एक बार तो इन ऐप को प्रयोग करके देखो, हो सकता है कि ओपेरा मैक्स या ग्रीनिफाई को प्रयोग करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, वैसे प्रॉब्लम आएगी नहीं, सिंपल सा है, लेकिन फिर भी हो सकता है तो ट्यूटोरियल से मदद ले लेना और एक बार प्रयोग करके देखो और मुझे बताना कि आपको कौन सी ऐप ज्यादा अच्छी लगी। दोस्तों एक घर में पतला सा चोर घुसा, उसमें थी मोटी औरत, वो मोटी औरत ने चोर को पकड़ लिया और उसको ऊपर बैठ गई, उसने कहा पप्पू, पप्पू उसका बेटा था, पप्पू पुलिस को फोन लगा जल्दी, भाई पप्पू उठा और कुछ ढूंढने लगा, कभी बेड के नीचे कभी सोफा के नीचे, तो उसने कहा क्या कर रहा है पप्पू जल्दी पुलिस को फोन लगा, तो उसने कहा मम्मी चप्पल ढूंढ रहा हूं मैं, तो चोर ने कहा भैया चप्पल मेरी ले जा पर जो करना है जल्दी कर।